हेलो, गुड आफ्टरनून दीपाली मैम, आपका स्वागत है इस लाइव इंटरव्यू में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस लाइव इंटरव्यू में, तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। हाँ, नमस्ते। मैं दीपाली प्रसाद बोधे, मैं जर्नलिस्ट हूँ। बीकॉम करने के बाद मैंने जर्नलिज्म किया था। मुझे लिखने का शौक है, कुकिंग का ऑब्वियसली है। ओके जी, ओके, यस। तो मैम, कुकिंग आपका पैशन है या क्या है मैम? एक्चुअली बताने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि बचपन में मैं कुकिंग करने में इतना पसंद नहीं करती थी जितना ओके खाने को पसंद करती थी। ओके जैसे कि शादी के बाद सब मुझे जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, जैसे कि तो ओके उस दौरान मुझे बहुत ही कुकिंग का शौक, यानी मुझे मतलब समझा कि किसी को खिलाने में कितना सुख मिलता है, न कि खुद ही खाने में। ओके सबसे पहले कुकिंग का ऑब्वियसली है, और मेरे जैसे कि बहुत और लेडीज को होता है कुकिंग का शौक, वैसे ही है। ओके ग्रेट 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 दीपाली मैम। तो मैम, मैं आपको इसी के साथ में ये भी पूछना चाहूंगी कि पेबिनाइन ने ये जो नेशनल कुकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा है, तो उसके बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? आपने कहाँ पे देखा था या किसी से आपको रेफरेंस मिला इसके बारे में? हाँ, मुझे रेफरेंस मिला था, मेरी फ्रेंड ने बोला था, और मैं इंस्टाग्राम पे, जैसे कि मेरा एक कुकिंग का अकाउंट है जहाँ मैं फोटो डालती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे फेबिना ग्रुप से कुछ तो ऐसे कांटेस्ट है पता चला था। तो मैंने बहुत उधर जल्द यानी के मुझे अच्छा लगा उधर जाके आपके या कांटेस्ट में ये पार्टिसिपेट करने में। ओके तो क्या किट मिल गई मैम आपको? हमारी तरफ से हम लोग आपको किट देने वाले थे, तो क्या रिसीव हो गई मैम किट आपको? हाँ, मुझे मिल गई, 2-3 दिन हो गए मुझे किट मिली है आपके नहीं यहाँ। बहुत आपको? ओके, तो कैसे लगी मैम आपको किट? किट के साथ में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, अनएक्सपेक्टेड थी कि मुझे मालूम नहीं था ऐसे किट मिलने वाला है, पर थैंक यू, आपने भेजा, और बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें स्नैक्स है, राजस्थानी करके वो जो प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ऐसी इंटरव्यू में मैं आपको पूछती हूँ कि आप इस कंपटीशन में कौन सी डिश बनाने वाले हो, क्या स्पेशल रहेगा आपके डिश में? हमारी ऑडियंस को भी जानना है कि आप क्या स्पेशल बनाने वाले हो। मैं बेसिकली वेज इटर हूँ, और वेज मैं प्रिफर करती हूँ। हालांकि मैं सब नॉनवेज डिशेस भी बनाती हूँ, और नॉनवेज खाने वाले ज्यादा रहते हैं आजकल, ओके चाव बढ़ गई है, तो देने में मुझे अच्छा लगता है। पर ऐसे मेरा क्या करने का मन है, तो वेज डिश ही मैं बनाऊंगी कोई तो। ओके, तो आपने अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि आप क्या बनाने वाले हो, राइट? नहीं, डिसाइड तो किया है, पर ऐसे 100% श्योर नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं वो जो अभी किट मिला है उसको भी साथ लेके बनाने का प्रयास करूंगी, तो थोड़ा सा अभी तय कर रही हूँ। अच्छा, तय कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। आप डिसाइड कर लीजिए आराम से, अभी किट रिसीव हो गई है तो आप आराम से अपना वीडियो शूट कर लेना, ठीक है? इसी के साथ में मैम, देखिए हमारे बहुत सारे ऐसे लेडीज पार्टिसिपेंट है जिनको पार्ट तो लेना है इस कॉम्पिटिशन में, बट उनके ना घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, या उनको वो प्लेटफॉर्म जो हम लोग दे रहे हैं उसमें वो नहीं शामिल हो पा रहे, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? स्पेशली उनके घर वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि कुकिंग करने में या करके खुद खाने में जो मजा आता है, उससे कई ज्यादा मजा कुकिंग सिखाने में, बना के दूसरों को खिलाने में आता है। और जिसको भी ये कला है कुकिंग करके अच्छा अच्छा खाना व्यंजन बनाना, तो उसमें डेफिनेटली ये करना चाहिए। और जो भी अपने अंदर कला है उसको बाहर निकालने के लिए अगर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म मिले, जैसे कि ये फैबिना का प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और घर वाले ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे होंगे, सभी ने अपने, अगर कोई इच्छुक है, जो भी जेंट्स है लेडीज है,
अब किसी की वाइफ है, किसी के हस्बैंड है करके, तो उनको आसानी से ये करने देना चाहिए, पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी। जैसे कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने हमको ये भी बोला है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है, जो कि आप 1100 रुपीज ले रहे हो, वो बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, ये ज्यादा है या कैसा है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है वगैरह, पर अगर ये नेशनल लेवल का अगर आपको प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है, तो इतना पेड करना तो कोई बात नहीं, मामूली बात है सच में। फिर भी ओके थोड़ा सा डिपेंड है, लॉकडाउन है ना इसलिए। ओके ठीक है मैम, कोई बात नहीं। और आपको तो पता ही होगा ना कि हम लोग हमारे हर एक पार्टिसिपेंट्स को एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री वेब पेज दे रहे हैं। जी, तो फिर वो उस वेब पेज का आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हो? आपको क्या लगता है कि आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आई है कि नहीं इस वेब पेज के थ्रू? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मैडम, ऐसे कुछ नेशनल लेवल पे जो भी कुकिंग कॉन्टेस्ट है वगैरह करके उसमें भाग लेने का। और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा उसके लिए, तो ये बहुत अच्छा मौका है जो भी आप सब हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हालांकि ये इंटरव्यू भी मेरे लिए बहुत अच्छा और फर्स्ट एक्सपीरियंस ओके मैम, ओके। तो मैम, मैं ये पूछ रही थी कि वेब पेज जो हम आपको देने वाले हैं ना, उस वेब पेज का आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हो, कैसे यूज करने वाले हो फ्यूचर में? उसमें आप क्या प्रमोट करने वाले हो, कैसे यूज करने वाले हो उस वेब पेज को? है। अच्छा, वेब पेज को यूज करने के लिए मैं अपना वीडियो डालने को जो मेरा मन कर रहा है वो तो है पहली बात, और अच्छे कुकिंग टिप्स के साथ मैं उधर परफॉर्म करना चाहूंगी। ओके, तो क्या लगता है आपको, इस वेब पेज जो हम लोग दे रहे हैं आपको, ये वेब पेज उसका बेनिफिट होगा आपको कि नहीं होगा? 100% होगा, 100% ओके बेनिफिट है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ऐसे कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला, और मेरे घर वालों ने भी उसको मुझे प्रमोट किया है कि आप जी ले लो भाग, जो भी आपको हेल्प चाहे हम कर देंगे। जी मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम। अभी देखिए मैम, हमारे ना देश में कैसे हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि घर में बैठे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा ऐसा खुद का मानना है, जैसे कि लॉकडाउन चालू हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अभी घर पर बैठना पड़ेगा वगैरह करके, मैं तो ऐसे कुछ बहुत मैसेज दे नहीं सकती, पर मैंने जो भी खुद ने किया है वो सिर्फ बता सकती हूँ। जी पहले तो अपने माइंड को बहुत सेट किया कि नहीं, जो हालात बदले नहीं जा सकते, जो अपने हाथ में नहीं है, तो वो जैसे है उसमें ही लड़ना पड़ेगा, उसमें ही जीना पड़ेगा। और बस यही बेसिक मैसेज है, जो भी अभी हम इतना इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कि कब ये लॉकडाउन खत्म हो, कब हम अपने नॉर्मल लाइफ पे आ जाए और सब नॉर्मल चीजें कर पाए, पर नहीं हो रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है, पर कैसे है कि रोज मैं सुबह जब उठती हूँ तो बोलती हूँ नहीं, आज हमको ये लाइफ, आज किसी किसी को जान गंवानी पड़ रही है, पर मुझे तो आज लाइफ मिली है, मैं तो आज उठ के ही, मुझे मौका दिया है ईश्वर ने, तो मैं हमेशा उसको कभी जाने नहीं दूंगी। बस ओके यही है, जो हाथ में मौका है, जो भी क्षण है ना, उसे जी लेना, उसमें कुछ जो बदला नहीं जा सकता उसके बारे में मत सोचो बस। बहुत ही बढ़िया दीपाली जी, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया हमारी ऑडियंस को। और आप, हमारे जो ऑडियंस अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप उनको कैसे, मतलब बताओगे कि आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहा कुकिंग कंपटीशन में, और आप उनको भी सजेस्ट करोगे इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए? जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, तो आप क्या बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? देखो, मैंने बोला कि जैसे कि मैंने पहला टाइम है मेरा ये ऐसे कुछ नेशनल लेवल के कुकिंग कंपटीशन में, और ऑनलाइन वो भी, तो जो भी प्रोसीजर था बहुत आसान था मेरे लिए, ज्यादा दिक्कतें नहीं आई उसमें। और ऐसे मौके सच में गंवाना नहीं चाहिए यार, कब न जाने कब चांस आएगा, कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हाथ में है उसे कर देना चाहिए बस।
बहुत ही बढ़िया दीपाली मैम। तो देखिए हमारे साथ में जो ऑडियंस जुड़े हैं, आपने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो आप हमारे ऑडियंस ऑडियंस को क्या अपील करना चाहोगे? आपको जिताने के लिए आप उनको अपील कर दीजिए। नहीं, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर उसको लाइक कर देना, और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप लाइक करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, जरूर लाइक कर दो। जी थैंक यू सो मच दीपाली जी। अभी हम लोग इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे ऑडियंस को आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ऑडियंस मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनका वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आपको इनकी रेसिपी पसंद आती है तो आप जरूर इनके वीडियो को ट्राई भी करिएगा। इनके वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपाली जी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आपके कॉम्पिटिशन के लिए। थैंक थैंक्स यू। फॉर ऑल द थिंग्स। या बाय। थैंक यू सो मच।